हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गीतास किचन। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स, ये नमकीन की एक रेसिपी है। आज हम बनाएंगे पास्ता की नमकीन। तो आप इनको चाहे तो कुरकुरे पास्ता भी बोल सकते हैं और आप इसको पास्ता की नमकीन भी बोल सकते हैं। तो इस होली पे आप इस तरीके की नमकीन बनाइए और अपने गेस्ट के सामने रखिए, वो खाएंगे, एंजॉय करेंगे और आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो आज हम फ्रेंड्स बनाएंगे पास्ता नमकीन। तो पास्ता नमकीन बनाने के लिए ये सामग्री जो मैं यहाँ पे मैंने ली है, अभी मैंने सिर्फ पास्ता लिया है ये, और यहाँ पे मैंने 2 बड़े ग्लास पानी उबलने के लिए रखा हुआ है एक पैन में। तो इस तरीके का पानी आप उबाल लीजिए। पास्ता नमकीन बनाने के लिए इस तरीके का उबलता हुआ पानी हमें चाहिए। और इस पानी में अब हम 1 टेबल स्पून ये ऑयल डाल देंगे। अब हम उबलते हुए पानी में ये पास्ता डालेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने 250 ग्राम पास्ता लिया हुआ है यहाँ पे। आप चाहें तो पास्ता की जगह मैक्रोनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोसीजर यही रहेगा और इसी प्रोसीजर को आप फॉलो करिएगा। तो उबलते हुए पानी में हमने ये पास्ता डाल देना है। इसमें बस ध्यान ये रखना है कि उबलते हुए पानी में ही हमें डालना है, ठंडे पानी में हमें पास्ता नहीं डालना, क्योंकि ठंडे पानी में पास्ता डालेंगे तो वो अच्छा उबलेगा नहीं, और जब वो उबलेगा तो बहुत ज़्यादा पक भी जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। और गैस का फ्लेम यहाँ पे हम मीडियम कर देंगे ताकि ये अच्छे से उबल जाए, और इसको ढक भी देंगे ताकि अच्छा सा बॉयल आ जाए और जल्दी से पक जाए। इसको हमें 80% पकाना है, पूरा नहीं पकाना है। तो जैसे ही पकेगा हम बीच में चेक करेंगे एक बारी। तो फ्रेंड्स, एक बार हम चेक करेंगे हमारा पास्ता कितना बॉयल हो चुका है। इसको चलाएंगे एक बारी। तो फ्रेंड्स, ये पास्ता हमारा ये 50% बॉयल हो चुका है। थोड़ा सा हमें इसको और पकाना है। इट मीन्स कि हमें 80% ये पास्ता पकाना है। इस तरीके से इसको हम पका लेते हैं थोड़ा सा ढक के, 2 मिनट और पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार पास्ता चेक कर लेते हैं। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डालेंगे। फ्रेंड्स, नमक आप उस स्टेज पे डाल सकते हैं जिस समय मैंने ऑयल डाला था, उस समय आप नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। ये अब इसको चला देंगे। जिस समय मैंने ऑयल डाला था उसी समय आप नमक डालिएगा। इसको बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, पास्ता हमारा 80% बॉयल हो चुका है। इसको हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको पास्ता को हम इमीजिएट इस तरीके की एक जाली लेंगे, उसमें छान लेंगे। इसको रखना नहीं है और इस पे तुरंत हम ठंडा पानी डाल देंगे ताकि इसकी जो कुकिंग है ये रुक जाए और ये ओवर कुक ना हो। ये चिल्ड वाटर है इस तरीके से। सारा पानी स्ट्रेन कर देंगे इस तरीके से और एक दूसरे बाउल में इसको निकाल ले। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से सारा पानी इसका निकल गया है, ये देखिए। और इस तरीके से हम एक दूसरे बाउल में इसको डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से ये पास्ता निकाल लिया है और बहुत ज़्यादा उबला नहीं है। ये 70-80% ही पकाना है हमें और उतना ही ये हमारा पका हुआ है। अब हम इसमें, ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर यूज करेंगे। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया हमने, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इसमें 2 टेबल स्पून ही हम मैदा इस्तेमाल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वन टेबल स्पून और कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून मैदा। सेम क्वांटिटी में मैदा और कॉर्नफ्लोर हमें इस्तेमाल करना है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड, मैंने अच्छे से ये मिक्स कर लिया है और इधर मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया। ये मीडियम हाई गर्म है ऑयल, और अच्छा गर्म ऑयल चाहिए हमें इसके लिए, नमकीन बनाने के लिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा इसमें जो मिक्सचर बचा हुआ है वो इसी में रहने देंगे। हमें थोड़े थोड़े करके ये इसमें डालना है इस तरीके से, इस तरीके से।
और ये थोड़े थोड़े करके जब हम डालेंगे तो हमें चलाने नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे ताकि ये थोड़े सेट हो जाए, उसके बाद हम चलाएंगे इनको। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। एक तरफ ये थोड़े पक चुके हैं, अब हम इसको चला देंगे इस तरीके से, और अब हम गैस का मीडियम हाई कर लेंगे। हमें डालते समय मीडियम फ्लेम करना है, और जब डालने के बाद एक तरफ पक जाए उसके बाद हाई कर लेना। अब इसको चला देंगे। इस पे जो हमने कॉर्नफ्लोर और मैदे की जो कोटिंग डाली है, ये बहुत अच्छी कोटिंग हो चुकी है और ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। इस तरीके से फ्राई कर लेते हैं इनको, इसको चलाते रहेंगे। ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में पास्ता नमकीन, और इस होली आप इस बार जरूर ये बना के खाएं, एक बार ट्राई जरूर करिएगा, फिर फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये पास्ता नमकीन की रेसिपी कैसी लगी। आप बनाइएगा जरूर, जैसे ये वीडियो में दिखा रही हूँ उसी तरीके से फॉलो जरूर करिएगा। और जैसे ये अच्छे से कुरकुरे हो जाएंगे उसको हम निकाल लेंगे, थोड़े से और फ्राई करने हैं। अब गैस का फ्लेम थोड़ा स्लो कर देंगे और इनको निकाल लेते हैं। अब इनकी आवाज सुन पा रहे होंगे आप कि कितने क्रिस्पी हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने निकाल लिए हैं, और दूसरा बैच मैंने डाल दिया है इसमें, और जिस तरीके से पहला बैच हमने सेका था उसी तरीके से ये वाला भी हम सेकेंगे। पास्ता इस तरीके से डाल के थोड़ी देर छोड़ देंगे, उसके बाद चलाएंगे ताकि इसकी कोटिंग और वो लेयरिंग बन जाए, और उसके बाद हम इसको पलट देंगे। तो गैस का फ्लेम डालते समय आपने मीडियम रखना और सेकते समय एकदम हाई रखना। ये वाला बैच भी हमारा सिक गया, हम निकाल लेंगे इसको। ये जैसे ही सिक जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि ये सिक चुके हैं, इसमें ज्यादा ब्राउनिस या बहुत ज्यादा लाइट रखने की जरूरत नहीं है। अब हमारा ऑयल भी गरम है, अब एक बैच और डाल देंगे इसमें इसी तरीके से, और गरम ऑयल में ही डालना है, ठंडा ऑयल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें। तो इसी तरीके से मैं तीसरा बैच भी डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये वाले भी हमारे सिक चुके हैं, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इनको भी निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी कुरकुरे नमकीन बनके तैयार हो चुकी है, अब हम इनमें मसाले ऐड करेंगे। तो हमें गरम करने में ही मसाले डालने हैं इसमें, क्योंकि गरम में डालेंगे थोड़ा सा तो मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएंगे। ये मसालों में मैंने आधा चम्मच से भी कम यहाँ पे मैंने सफ़ेद नमक लिया है, आधा चम्मच से भी कम मैंने यहाँ पे काला नमक लिया है, तो टोटल आधा चम्मच नमक लिया है मैंने यहाँ पे। यहाँ पे आधा चम्मच से भी कम मैंने धनिया पाउडर लिया है और लाल मिर्ची पाउडर लिया है, और इसमें मैं यहाँ पे थोड़ा सा काली मिर्च भी इस्तेमाल करूँगी, ये फ्रेश कूटी मैंने, आप चाहें तो काली मिर्ची पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को, और इसमें हम मिला देंगे नमक। आप थोड़ा क्वांटिटी ध्यान में रख के मिलाइएगा, क्योंकि नमक हमने जब इसको बॉईल किया था तो उस समय भी हमने ऐड किया था, और मसाले अगर यदि आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मसाले थोड़ा सा ध्यान से डालिएगा, स्पाइसी कम रखिएगा। इसको टॉस कर लेते हैं अच्छे से। आप चाहें तो इस तरीके से टॉस ना करके प्लेट इस तरीके से लगा के भी टॉस कर सकते हैं दोनों हाथ से। इस तरीके से मैंने टॉस कर लिया, आप इनकी आवाज़ सुन पा रहे हैं कि कितने क्रिस्पी हैं, और ये मैं इस बोल में इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो अपने मनपसंद मसाले इसमें डाल सकते हैं, जैसे आप पाव भाजी मसाले का भी फ्लेवर इसमें दे सकते हैं, करी लीव्स भी आप फ्राई करके इसमें ऐड कर सकते हैं, पाव भाजी मसाला ऐड कर सकते हैं इसमें। तो आप अपने मनपसंद मसालों के साथ इसको बनाइए और खाइए, सच में बहुत टेस्टी बनती है। देखिए कितने क्रिस्पी हैं, ये देखिए बहुत क्रिस्पी बने हैं, और थोड़े से ये ब्राउनिश हो जाए तभी आप निकालिएगा तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने, ये देखिए। तो फ्रेंड्स इस होली आप इस तरीके से पास्ता नमकीन बनाइए और खिलाइए सभी को, सभी का मुंह नमकीन कराइए,
मीठा भी कराइए और नमकीन भी कराइए। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी रेसिपी यूजफुल लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।